ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपने प्यारे से बाबा का प्यारा सा मुखड़ा देखकर जब हम कोई काम करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम हमारा संपूर्ण ना हो और अच्छा ना हो, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि साई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और हर जैसी भी परिस्थिति हो, अगर हमने एक बार भी बाबा को याद किया तो वो वहाँ पर भागे भागे चले आएंगे, चाहे हम कहीं भी हों। कौन कहता है कि साईं सिर्फ शिरडी में है? नहीं, जहाँ जहाँ भी बाबा का भक्त है और जहाँ भी बाबा का भक्त उन्हें प्यार से पुकारता है, मदद के लिए पुकारता है ना, साईं दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए कभी ये मत समझना कि आप शिरडी नहीं गए हो तो आप बाबा से दूर हो। लाख शिरडी जाने वाले भी साईं के करीब कई बार नहीं जा पाते, और दूर रहकर भी भक्त बाबा से बेइंतहा प्यार करता है और बाबा भी भक्त से बेइंतहा प्यार करते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं कि आप शिरडी नहीं गए हो तो आप बाबा के बच्चे नहीं हो, फिर बाबा आपसे प्यार नहीं करते। ये भूल है आपकी। आप शिरडी जाओ या नहीं जाओ, बस दिल से साईं को याद करोगे तो हर वक्त अपने पास ही पाओगे और आपका घर ही शिरडी है ना। मानो तो हर जगह साईं, ना मानो तो शिरडी में भी नहीं। बस इतना ही फर्क है हमारी सोच में और बाबा के आशीर्वाद में, जो कि हम फील नहीं कर पाते। वरना बाबा तो हमें हर वक्त हमारा सहारा बनकर खड़े हैं और हर वक्त अपने भक्तों का साथ भी देते हैं। तो आइए आज की प्रार्थना भी साईं के आशीर्वाद से हम शुरू करते हैं आज का दिन। मालिक की कृपा से हर एक दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा है, ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे समय, पिछला समय जो हमने खराब बिताया, जो जैसा भी था उसे भूलकर आगे नए की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा को याद करते हैं। तो आज की प्रार्थना भी जिन लोगों के नाम हैं, साईं बाबा उन पर दया करेंगे, उन पर रहम करेंगे, ऐसा विश्वास के साथ आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखिएगा, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ साईं पर विश्वास करते हुए हर काम कर डालो जो आपको ठीक लगता है, आगे साईं संभाल लेंगे। तो आइए आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं, बाबा उन पर दया करें, उनकी हेल्थ अच्छी रखें, उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हों, तो आज के नाम मैं साईं चरणों में लेना चाहूँगी। बाबा दया करना। जय श्री दीप रॉय जी, सरोज दहल आंटी जी, राम दहल अंकल जी, अपर्णा मुखर्जी जी, अमन सैनी जी, स्नेहित देव रॉय बच्ची, रिंकी जी, बच्ची वैशाली, कुमारी पूजा जी, रिशांत मजूमदार जी, शुभम जी एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, सब पर रहम करना। और मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ जो नेम होते हैं ना वो बहुत ध्यान से दें। अगर बच्चे का नाम है तो हमें बता दें, ऐसे ना दें कि हम आपके बच्चे का नाम लें, ऐसे नहीं, ठीक है। बच्चे का बाकायदा है, फिर जिसका भी नाम है उसका आप नाम दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। तो बाबा से आज हम सभी प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि मालिक आज हमारे परिवार में हमारे बड़े सरोज आंटी जी, अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है, बाबा उन्हें अपना आशीर्वाद दें। और हम सभी मिलकर आंटी जी और अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका साथ और उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे, उनकी ज़िंदगी में लाखों खुशियां हों, अनगिनत खुशियां बाबा लेकर के आएँ और उनकी हर मनोकामना पूरी हो, और बाबा उन्हें लंबी उम्र का दान बख्शें, स्वस्थ रखें और दोनों को हैप्पी एंड हेल्दी रखें। बाबा रहम करना और इस रिश्ते को बनाकर रखना, बहुत प्यार रखना, और हमेशा आंटी जी और अंकल जी का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहे, ऐसी दया करना, ऐसा आशीर्वाद देना आंटी जी को और अंकल जी को भी। आंटी जी, अंकल जी, आपको दोनों को आपकी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे और आप दोनों की हर विश को पूरी करें। आप दोनों को लंबी उम्र का दान बख्शें बाबा, और हमेशा
हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और पूरे परिवार के साथ रखें। और आज अमन सैनी जी का जन्मदिन है। अमन सैनी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको भी खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो और आपकी हर विश को बाबा पूरी करें। और आपका भी ध्यान साईं चरणों में लगा रहे और दिन प्रतिदिन आप बहुत तरक्की करें अपनी लाइफ में। बच्ची वैशाली का जन्मदिन है देवा। बच्चे पर दया करना, रहम करना, बच्चे को खूब सक्सेस देना, बहुत बहुत आगे तक जाए, अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन करे और बहुत 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 खुशियाँ हो बच्चे की लाइफ में, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। ये साईं की बच्ची है, साईं का आशीर्वाद बना रहे। और देवा, आज रिचांत मजूमदार जी का भी जन्मदिन है। तो रिचांत जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। बाबा आपको भी खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। साईं चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी हर विश पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अपने परिवार में और दुनिया में खुशियाँ बांटते रहें और लाइफ में बहुत तरक्की करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी बाबा, जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है और जिनका भी जन्मदिन है, जो भी मंगल कार्यक्रम है, सबकी लाइफ में हमेशा अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहें, मंगल कार्य होते रहें और धूमधाम सबके घरों में बनी रहे बाबा, सबके घर में खुशियाँ बनी रहें। और जिनके घर में बेबी नहीं है, बच्ची नहीं है, उनके घर में किलकारियाँ गूंजे मालिक, खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो चारों तरफ, ऐसा आशीर्वाद सबको देना बाबा। और मेरी प्रार्थना को कबूल करना, मेरी प्रार्थना की लाज रखना, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना, अपनी बच्ची की लाज रखना बाबा। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं आप सबका भला करें, रहम करें, दया करें और आपकी लाइफ में आने वाला हर दिन बहुत बहुत खुशियों भरा हो। सो, एक बार फिर से आप सभी को आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आंटी जी और अंकल जी को भी बहुत सारा प्यार और बहुत 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 आशीर्वाद दें आंटी जी और अंकल जी, इस पूरे परिवार को और सभी को। बाबा भी आप पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम।